गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स मैं मीडिया का मैडम से मैं अरुणाचल वासीयों को मैं फाइव पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड को मैं बताना चाहूँगा ये नंबर वन पॉइंट जो इनक्रोचमेंट ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट क्वार्टर और ये इतना सालों से गवर्नमेंट क्वार्टर था तो आज दिखाए जाने से कौरतर नहीं है तो मैं ये गवर्नमेंट को अपील है कि ये हम लोग का जो पॉइंट्स को हम लोग का डिमांड को फुलफिल कीजिए और आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत तकलीफ़ होगा इसके साथ में हमारे नॉन ट्रैवल्स और आज का दिन में कौरतर नहीं होने से काल का जो सर्विस जॉब वाला काम बिटेगा तो इसमें मेरा ये सोचा है कि इसको जल्द से जल्द और कार्रवाई कीजिए और हम लोग का जो डिमांड को फुलफिल कीजिए तो ये जो चार ऑफ हम लोग का चार फर्स्ट नंबर वन पॉइंट है आ, आ, नंबर वन पॉइंट है हम लोग का इंक्रौश्मेंट और इंक्रोचमेंट ऑफ ये गवर्नमेंट लैंड उसके साथ में इंक्रोचमेंट ऑफ कोर्टर तो डिमोलिशन ऑफ कौरतर तो ये कोरतर को तोड़ के आश्री कंस्ट्रक्शन कर रहा है अपना प्राइवेट ले जा रहा है तो ये एक किपीतल है हम लोग का एक किपीतल ये अरुणाचल का एक किपीतल है राजधानियाँ है तो इसको आज का कौरतर को पूरा तोड़ाया जा रहा है ये हम टू थाउजेंड ट्री एक्ट में हम लागू कर रहे हैं तो हम बिना एक्ट में इसको हम लोग डिमांड नहीं कर रहा है एक एक के जरिया हम लोग इसको डिमांड कर रहे हैं तो इसलिए मैं आप लोग मीडिया का माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा स्थित गवर्नमेंट को और मेरा हमारे अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर श्रीमान पेमा कांडू को मैं ये रिक्वेस्ट है और इसको हम लोग दिमाग को जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और दिमाग को सक्सेसफुल कीजिए ये क्रिमिनल है ये अपना को कमडम कर रहा है उसको हम लोग का ये सोलूशन है कि उसका जो शिलारी है उसको एट्टी परसेंट डिडक्शन करना है ये गर्मिन का को राय नहीं होता है उसको दे दिया नहीं जाता है तो अरुणाचल में आज काफ़ी किपिदल में देखा है अभी आपने पूछा है ये सही है ये गलत है गलत तरीक़ा से ले जा रहा है और उसके साथ साथ इतना सालों से उसको गर्मिन काम नहीं कर रहा है इस तक देना चाहिए सो को नोटिस देना चाहिए उसको आप लोग भी प्रैक्टिकली जाके देखना है हम लोग पूरा आरती करके भी निकाल के रखा है पूरा उसके साथ ट्रेन करके भी रखा है और बुक बना के भी रखा है तो काल को हम लोग जाने से भी हम लोग ऐसे नहीं कि इंटेंसली उसको नहीं है हम लोग गोमिन को अभी एक जरिया में हम लोग मैंने ये डिमांड कर रहा है तो इसलिए मेरा वही है कि इसको अभी जैसे प्राइवेट जो ले रहा है जिसका पास सर्वे नहीं है नौकरी में नहीं है तो उसको नोटिस देना है तोड़ना है और उसको इलीगल लगाना है गलत है क्रिमिनल ये स्टेज में आ रहा है अभी तो कल को आने वाला बाई लोग के लिए आने आने वाला अनएम्प्लॉयमेंट कल सर्वेंट बनेगा प्राइवेट में उसका सिलारी जो थर्टी थाउजेंड है तो उसको थर्टी थाउजेंड में और रेंट बारह में आपका पंद्रह हज़ार जाएगा तो उसको कौन देगा ये गमीन उसको अभी जल्दी जल्द से जल्द करना क्रबार करना चाहिए हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश इंडिजनस का ये डिमांड है और मैं पहले बताना चाहता था मेरा नाम है तातनो इसलिए हम हुई है कि आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हम लोग का जो कैपिटल में है और मजिस्ट्रेट मेरा डी जी साहब है और इस्टेट इस्टेट ऑफिसर है और चीफ इस्टेट ऑफिसर है तो उसका साथ में और मैं उसको भी कल हम लोग कॉपी दिया था सबको कॉपी दिया है और चीफ सेक्रेटरी को दिया सेक्रेटरी गवर्नर को दिया हम लोग सबको कॉपी दिया है और आप लोग और ये कॉपी को भी आप लोगों को दिया जाएगा गवर्नमेंट का जो रेस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट का जो ऑर्डर में है आ, तीन मीटर और टू मीटर में होता है तो उसको इनको पार होगा हो तो वो क्रिमिनल में आ जाएगा उसका ना उसका ना में तो उसमें रूल में बिल्डिंग बन चुका है लेकिन बिल्डिंग को रिकॉर्ड बिल्डिंग को तो वो गोमेंट उसको हम लोग गवर्नमेंट को दीमान है और गोवमेंट जो उसको कैसे करना है वो गवर्नमेंट का ऊपर में है तो हम लोग गर्मी को भी हम लोग लग रहा है इसलिए ऐसे नहीं कि हम आन न से जैसे पब्लिक को हम नहीं लग रहा है लेकिन हम भी एक पब्लिक है हम भी एक आम आदमी है हम नहीं बोलेगा तो कल कौन बोलेगा तो इसलिए हम लोग वही गोवेंट को प्लेस कर रहा है कि आप ये चीज़ को फुलफिल कीजिए वो तो बनाना चाहिए था इसमें पैसा तो गवर्नमेंट उसको देना चाहिए था वो गवर्नमेंट उसको कार्रवाई करेगा और उसमें हम लोग का ये इंडिजनस तरफ से हम लोग का तरफ से तो हम लोग वो ये कि हम लोग गवर्नमेंट को इसको किस लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है मेंटेनेंस करना और सब कुछ करना वो गवर्नमेंट के ऊपर में है और इसको घर को तोड़ना कैसे करना हम लोग डिमांड है कि ये होने मान लीजिए ये एक क्रिमिनल एक्ट में जा रहा है तो हम लोग टू एक्ट में टू थाउजेंड का एक्ट में हम लोग इसको डिमांड कर रहा है तो इसलिए हम लोग अभी वही नंबर वन नंबर वन पॉइंट था और नंबर टू पॉइंट है मेरा रोध के बारे में ये पापुनाथू धोनीपलो रोथ टू 2008 से ये रोड शुरू किया था तो अभी तक करपेटिंग भी नहीं है ना ब्रिज है ना कलवर्ट है और रोध रो नहीं होता है और जब ये ठंडा ये विंटर सीजन में उसका रोध कुछ दिन तक चलता है उसके बाद रोड होता नहीं है इतना पब्लिक तकलीफ़ होता है टूरिस्ट बनाना चाहिए अभी गवर्नमेंट उसको दया नहीं देता है अपना प्राइवेट में लगाता है स्कीम को लेकिन ये रोड को जाल से जाल हम लोग डिमांड है पपून नला तो जूली रोड को ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है और पब्लिक इतना हरसमेंट दे रहा है इसलिए उसको भी हम डिमांड है उसके साथ में ये धनी नला तो जूली भैया माने ये गंगा तो उसमें टू लेन बनाना चाहिए था हम लोग टू लेन डिमांड किया है अभी तो इसलिए हम लोग का अभी अगस्त में एयर ग्रीन फील्ड को धनीपुर एयर ग्रीनफील्ड को ये ले होने जा रहा है इनोग्रेशन करने जा रहा है तो उसका आगे में हम लोग डिमांड है टू माउंट में हम लोग का ये रोड क्लियर होना है तो रोड को हम लोग का है उसको सेंशन दे के इतना एक कलवर में चार मीटर होता है उसको दस करोड़ देता है तो हमारा अपना जैसे जगह पी में आपका सिक्सटी किलोमीटर में सिक्सटी मीटर में आपका सिक्सटी मित्र में ब्रिज बनता है कि फाइव करोड़ देता है या हमें इतना मल्टी करोड़ और पैसा देता है लेकिन काम होता नहीं है तो इसलिए इसको जैसे भी मैंने आप लोग का मैडम से मैमरिया का जारे से मैं वही अनुरोध है कि और इसके साथ और एक रोध है हमारे ये एन एच पी फोर हंड्रेड फिफ्टीन चिंपू टू ये आपका संगेला दिन इस्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तो उसमें इतना रोध सरा हुआ है और गोमिन गवर्नमेंट उसको टेकअप करना चाहता है इंटरनेशनल गेम उधर खेलता है और वो इतना बचालों का एक खेल कूद का एक ये है तो उसको देखता नहीं रोड खराब है तो कैसे डेवलप होगा और वह में ट्वेंटी थाउजेंड पॉपुलेशन है लेकिन रोड इतना खराब है और उसको जल्दी हम लोग और तीन नंबर पॉइंट में है उसको चार नंबर पॉइंट उसमें उसको जैसे भी ये दो माउंट में क्लियर कीजिए हम लोग का सेंसन कीजिए तो उसके बाद काम कर, करा दीजिए उसके साथ साथ हमारे एक अरुणाचल कैपिटल को जो एक हिस्सा बनता है हमारा टूरिस्ट ये उसको गंगा लेक बोलता है तो गंगा लेक आज के दिन में इतना सरा हुआ गिर के रखा है तो इतना साल में ये गंगा लेक एक नंबर वन टूरिस्ट प्लेस था तो आज किसलिए उसको दहन नहीं दे रहा है तो ये हम लोग का दिमन है और ये चप्टर ऑफ दिमन है हम लोग फाइव चप्टर ऑफ़ दिमन है इसलिए अभी उसके साथ साथ में हम लोग का ये लास्ट में और आपका जो दो मान में कुछ नहीं होगा हम लोग का पीस ले लिए होगा हम लोग का दिमन से चरत्र ऑफ दिमन को हम लोग पीस ले लिए होगा और धरना होगा उसके बाद बनकल होगा वही है थैंक यू आ, सर जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों को क्वार्टर मिलना मुश्किल हो रहा है तो सर बहुत से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग हैं सर बाहर से रेंट से आना जाना कर रहा है सर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उन भी एक नहीं दो नहीं बहुत सारे सर जो क्वार्टर है ओकोपाइड करके बैठता है सर उसका ऊपर ऑफर क्या रहा है इसलिए तो हम लोग वही डिमांड कर रहा है कि इसलिए हम गवर्नमेंट को वही प्लेस कर रहा है कि आज का हम लोग डिमांड हुई है मकसद हुई है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट में ले जा रहा है एक गवर्नमेंट का एक सर्वेंद है वो टोट दी उसको ऑफिसर बना के रखा है वो जो चार पाँच अब अभी ने बुलाया है चार पाँच क्लेम करके रखा है वो गलत है उसको पूरा हटाना है उसको कार्रवाई करना है सो को नतीज देना है और इंक्रिंग विजिलेंस बताना है उसको वही हम लोग का डिमांड है हम लोग गवर्नमेंट को डिमांड है लेकिन हम लोग इंडिविजुअल उसको ये नहीं है हम लोग अपना यूनियन का तरफ से और एक आ, भाई का तरफ से हम लोग वही चाहता है कि ये गवर्नमेंट को हम लोग प्लेस कर रहा है गवर्नमेंट जो भी करेगा गोमिन करेगा